से इंस्पायर्ड हैं और उनको मेरी बहुत बहुत बधाई एंड बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मैंने देखा हुआ है एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। क्या पसंद करते पहनना जब भी आपको कह रहा है? मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ, ऑनेस्टली देखिए बॉम्बे में इतनी गर्मी होती है कि हाफ पैंट चप्पल और गंजी के अलावा और कुछ पहनना व्यर्थ होता है। शर्ट वर्ट शाम तक ठीक है बट जनरली सुबह को अगर आप मेरी बात करें तो मैं नहाते ही कपड़े चेंज करता हूँ और जब तक लिफ्ट में इंतज़ार करता हूँ मैं लिफ्ट का, तब तक मैं गीला हो जाता हूँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा टी शर्ट शॉर्ट्स और चप्पल है, वरना अगर कहीं बाहर जाना होता है तो एक सिंपल शर्ट और जीन्स और जूते। सर नवरात्रि आ रही है, क्या प्रोग्राम क्या प्लान है आपका? प्लान है नवरात्रि में क्या प्लान है, बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है क्योंकि नवरात्रि के शोज़ स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है और नौ दिन दस दिन आपको परफॉर्म करना होता है। इस साल मैं व्यस्त था क्योंकि मेरे आगे भी बहुत कुछ शोज़ हैं और मेरे आगे भी मेरा काम चल रहा है, लेकिन कुछ एक आध ऐसे अपीयरेंसेज हैं, कुछ छोटी छोटी एंट्रीज हैं, बट फॉर ऑल द 9 डेज़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मच। बट मेरे दोस्त हैं दिव्य कुमार, जिनका एक शुभ आरंभ इवेंट है बॉम्बे में इस साल, और दिव्य और मैं कॉलेज क्लासमेट्स हैं और हमने एक साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम मुझे याद है कि हम कॉलेज में स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट और टैलेंट हंट्स कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे, ज़्यादातर जीतते थे, कभी कभी हारते भी थे, और आज दिव्य इतना अच्छा कर रहे हैं, वो हेडलाइन कर रहे हैं इस शो को, शुभारंभ को, और साथ ही साथ वो बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के लिए, तो सबसे ज़्यादा उनको बधाई देने आए। तो आपने भी कहा कि व्यस्त है आप इस जी, क्या वो फिल्म कर रहे हो क्या कर रहे हो? नहीं 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 फिल्म नहीं कर रहे, अभी फिल्म को थोड़ा टाइम है, अभी मैं मेरे बहुत सारे शोज़ हैं, अक्टूबर से शोज़ शुरू हो जाते हैं, तो मेरे कुछ 30 शॉट रिलीज़ हो रहा है दिसंबर में, मेरे कुछ सिंगल्स तो रिलीज़ हो गए हैं जो मैंने टी सीरीज़ के साथ रिलीज़ किए हैं, और एक्चुअली बात ये है कि फॉर 27 ईयर्स आई बिन, मतलब उसमें से कुछ 22-23 साल तो मैं म्यूज़िक सीख ही रहा हूँ और बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसे काम किए जो लोगों ने मुझे काम दिया उस काम को मैंने निभाया, उसे निभाने की कोशिश की, तो पहली बार जो है मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर, जो भी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और हालांकि बॉलीवुड और इन सब बड़ी मीडियम्स के से कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये आगे बदलाव आए इसमें, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस टू माय फैंस। ये ट्रैक रोमांटिक ट्रैक है किस तरह ट्रैक है? जी आठों के आठों गाने एक्चुअली 10 गाने हैं बट उसमें से कंप्लीट गाने 8 हैं और सारे रोमांटिक गाने हैं, और इनफैक्ट द थीम ऑफ द एल्बम इज़ ओनली लव, और एक कॉन्सेप्ट एल्बम की तरह कह सकते हैं आप इसको, इट्स अबाउट अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं प्यार के उनके बारे में। पापा भी हेल्प कर रहे हैं? पापा क्या हेल्प करेंगे, पापा ने पैदा किया मुझे, खिलाया पिलाया बड़ा किया, ये बहुत बड़ी हेल्प है उनके उनके डीएनए की वजह से, मेरी आवाज़ जितनी भी थोड़ी बहुत अच्छी है वो है, और उनका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा है, कभी भी मुझे किसी कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है तो कभी भी मुझे म्यूज़िकली कोई गाइडेंस चाहिए, हालांकि मुझे वो हमेशा यही कहते हैं कि आपकी जो म्यूज़िकल इंस्टिंक्ट है बहुत अच्छी है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कहीं भी ऑब्वियसली मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो अगर मैं पापा के पास नहीं जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा, इस फैमिली, एंड ऑब्वियसली वो इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ही घर में मुझे उनका करियर देखने का मौका मिला है, एक सुपरस्टार एक लेजेंड बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना फोकस करना पड़ता है, ये सब मुझे देखने को मिला है, तो दैट वे यस आई एम वेरी फॉर्चुनेट। गाना कैसे बोला नहीं गाना जो भी आप पसंद हो या जो आप नए एल्बम और नए एल्बम का ज़रूर ऐसा ना लॉन्च हो जाए ये गाना। हाँ जी लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च हो गया एक्चुअली, ये अभी अगस्त में रिलीज़ किया था मैंने। तेरे इश्क दरिया बह जाऊं, तू जहाँ रहे वहीं रह जाऊं, ये खुदा करे तुझे जी पाऊं, तेरा इश्क जी पाऊं, तेरा इश्क जी पाऊं। सॉरी मेरी तबीयत खराब है बट व्हाटएवर, मैंने कोशिश की थोड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू।